यहाँ पर 1990 के दशक से तिरंगा फहराने की कोशिशें की गई थी, लेकिन कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार इसे बार बार रोकती रही। क्या बोलकर कि धार्मिक माहौल बिगड़ सकता है। वो कौन सा धर्म है जिसको तिरंगे से दिक्कत है? 1994 में बीजेपी की नेता उमा भारती ने सबको चुनौती देते हुए ये कहा कि वो 15 अगस्त को ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराएंगी, क्योंकि ये मैदान सिर्फ मुस्लिम संगठनों का नहीं है, सबका है। उमा भारती के ऐलान के बाद हुबली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया। मतलब तिरंगा फहराने कोई जा रहा है तो उसको रोकने के लिए वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया, तिरंगा फहराने से रोकने के लिए। कर्फ्यू के बावजूद 15 अगस्त 1994 को बीजेपी नेता उमा भारती इस मैदान में तिरंगा फहराने के लिए पहुंचने वाली थी। पहले ही उमा भारती और बी एस येदुरप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान तिरंगा फहराने के लिए जा रही भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोग मारे गए। तिरंगा फहराने के लिए जा रही भीड़ पर गोली चल गई कि ईदगाह मैदान में तिरंगा मत फहरा देना। ये रहा है इस देश में सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म।